सीन है, मुझे उसका टर्निंग रेडियस काफी अच्छा लगा। मैंने तो उसका लंबा टर्न लेने के लिए, लंबा टर्न मत लो, मैं एक बार देख लेता हूं, यहीं से पूरा काट लो आराम से। जाइए देखा आगे, ये इंडिया है, यहाँ अगर आप डर के रोड पे चलोगे ना सक्सेस पूरी कर दी आराम से। हाँ सच में काफी अच्छा टर्निंग रेडियस है। डिप्लॉयबल की कॉस्ट आ जाती है अराउंड 4.5 लाख रुपए प्लस। इसमें अभी मैं आपको एयर सस्पेंशन का फीचर दिखाता हूँ, गाड़ी कैसे ऊपर नीचे हो जाएगी, नीचे करके दिखा देता हूँ। इसमें आप देखो भाई, ये गाड़ी पूरी ऐसे हो जाएगी ऊपर। अब ये हाल पूरे सस्पेंशन इसके ऊपर हो चुके हैं। Hi guys, welcome to my channel. So, आज हम लोग डिफेंडर की टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं। डिफेंडर का आपके साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसी होने वाली है। हाल फिलहाल गाड़ी बहुत ह्यूज है, मैं अभी इसके अंदर बैठ के, मुझे फ्रंट भी, मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है, बट मुझे फ्रंट में अपनी तक पूरी सीट को मतलब अपनी मतलब लटा के नहीं चला सकते, मेरे कहने का ही मतलब है। और अभी आपको पूरा इंटीरियर और थोड़ा इसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे पूरी गाड़ी कैसी होने वाली है। यहाँ पे आपको 10 इंच की इसमें डिस्प्ले मिलने वाली है और इसमें स्पेस काफी ज्यादा मिलेगा अंदर आपको चीजें रखने के लिए ना। उधर डिफेंडर की बैजिंग वगैरह मिल जाएगी आपको। ये बेसिकली HSE है, डिफेंडर 110, एंड जिसकी अराउंड कॉस्ट है 125। काफी मजा आने वाला है, आज हम लोग आपको पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे गाड़ी कैसी होने वाली है। सो व्लॉग को पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। अपनी इस रोड पर कभी बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता था, इतना ट्रैफिक हो गया कि ये तो कम है सर। आज तो संडे कम है, आज तो कुछ नहीं है। आज तो बहुत अच्छा है कि आप ना इस टाइम पर हो। ये रगेड कार है पूरी, तो इसमें सब चीजें ना आपको क्लिकिंग और सब चीजें। हमारा 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिल रहा है हमें, 2 लीटर पेट्रोल इंजन है, 300 PS पावर है, 300 PS पावर है, 400 Nm टॉर्क है, 400 Nm। कल ज्यादा दबाओगे तो गाड़ी रॉकेट है। और 0-100 0-100 होगा सर, मैंने कभी चेक नहीं किया है, ऑफ रोडर है ना। ऑफ रोडर में 0-100 कंसीडर नहीं करता, नहीं नहीं सही है, सही कह रहा हूँ। कंट्रोल बहुत मुश्किल से हो पाएगी, नहीं कंट्रोल हो जाती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बहुत तगड़ी है भागने में। लेकिन 0-100 मैंने कभी इसका पता ही नहीं किया क्योंकि ऑफ रोडर है। अच्छा, इसमें मैं देख रहा था शायद इस सेगमेंट में किसी गाड़ी में नहीं है आपको फ्रंट में। यहाँ से ना चले हम अंदर से? अच्छा, फ्रंट में इधर से जाना पड़ेगा। अच्छा, क्या नाम है, फ्रंट में वो दे रहे हैं आप इंडिपेंडेंट एयर सस्पेंशन? ये एयर सस्पेंशन है दोनों, आगे पीछे, रियर में और रियर में भी आपके पास ये तो दोनों ही आते हैं ना सर? अच्छा, तभी तो आगे से पीछे से दोनों से उठेगी गाड़ी। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन जो है, एयर सस्पेंशन नहीं, एक इंडिपेंडेंट भी होता है ना? नहीं, इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं आता सर। इंडिपेंडेंट किसमें होता है सर? सी, जिसमें एयर सस्पेंशन, छोटी गाड़ियों में। अच्छा, इंडिपेंडेंट होते हैं छोटी गाड़ियों में, इनमें होते हैं मल्टी लिंक जॉइंट्स या कॉइल स्प्रिंग। हाँ ठीक है, इनमें ही होते हैं कॉइल स्प्रिंग होते हैं या फिर मल्टी लिंक होते हैं, बाकी वो जो इंडिपेंडेंट स्ट्रट आते हैं ना वो छोटी गाड़ी में आते हैं। अच्छा, हाँ जी, इंडिपेंडेंट वाला तो इसमें एयर आ गई तो फिर इंडिपेंडेंट का मतलब ही नहीं, मजे नहीं आते उसमें। ये इसमें आते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक एयर सस्पेंशन, इसको ई एस बोलते हैं इसको, रोलओवर मिटिगेशन सेंसर्स, पार्किंग सेंसर्स, पार्किंग कैमरा, साइड में दोनों साइड इसमें पार्किंग सेंसर्स, 3D व्यू कैमरा, मेन चीज आपको ये देखा। हाँ, ये अच्छा फीचर है, ये 3D वाला, ये 3D है। 3D तो इस सेगमेंट में किसी में नहीं देखा, किसी में नहीं सर 3D वाला फीचर, अभी तो किसी ने दिया नहीं है। फ्रंट कैमरा क्वालिटी अच्छी है, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऑफ रोडिंग कैमरा भी है, अभी गाड़ी चल रही है, नीचे तक का भी आपको पूरा क्लियर व्यू आएगा, देखिए ये देखिए। हाँ, अच्छा नीचे अंदर सबसे बेस्ट, ये अच्छा फीचर था, नीचे भी कैमरा है, नीचे नहीं है कैमरा, कैमरा आगे ही है, ऑल ओवर कैमरा है। अच्छा, वो पूरा कैप्चर कर रहा है? हाँ, वो सिर्फ कैप्चर कर रहा है और ये ना सिग्नल्स की वजह से ये दिख रहा है आपको। अच्छा, इसमें जो क्या बोलते हैं, एक जो ये नीचे का मतलब वो सिर्फ वो दिखा रहा है, देखो यहाँ से आपको एक वो दिख रहा होगा, क्योंकि गाड़ी आगे चल रही है तो आगे से सेंस कर ले रहा है कि आगे कुछ है। ठीक है, तो वो जो चीज वहीं से नीचे जा रही है वो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड करके फिर आपको वो दिखा रहा है, तो ये सिस्टम है, ये अच्छा फीचर है। रुक जाएगी ना गाड़ी तो नीचे का ब्लैंक हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा, अभी चल रही है इसलिए वो नीचे का, इसलिए क्योंकि वो आगे से ऑलरेडी चेक कर चुका है ना कि क्या है कैमरे से, वो आगे यहाँ तक कैमरे से सेंस कर चुका है ऑलरेडी, यहाँ तक कुछ है।
ये तो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हो गया स्टीयरिंग आपका, और ये इसका ये चेंज हो जाएगा, ये वो नई वाली में फीचर है। ये तो है सर, डिस्प्ले 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 जैसे पूरी जीपीएस शो करती है। हाँ सब कुछ है। अच्छा अच्छा मुझे इसमें एक चीज अच्छी लगी, जैसे सब हम कोई भी ऑटोमेटिक कार में बैठते हैं बिना पेडल मतलब हम पुश किए, हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो कंट्रोल में नहीं रहेगी, निकल जाएगी नीचे से। हाँ। लेकिन इसमें अच्छा फीचर है कि मतलब बहुत एक ना कंट्रोल में है कार, ये मुझे चीज अच्छी लगी। अब इसको 110 भी भगा रहे हो ना, इसको 120 130 भी भगा रहे हो। हाँ। तो आपको लगेगा ही नहीं कि 130 चल रही है कार, इतनी स्टेबल है। हाँ वही चीज बैठती पता, लेकिन जब मैंने इसमें वो बैठा ना पुश किया पेडल को, तभी फील हो गया था। क्रूज कंट्रोल भी अडैप्टिव है, स्पीड लिमिटर है गाड़ी के अंदर, और स्पीड तो मतलब 80 पे जाके बीप करेगा ना वो, सब तो है आपको क्लियर। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत कोई बताता नहीं है, बिकॉज ये सब ना हमारे लेवल की बात है सेल्स वालों की। इसमें सारी सीबीओ गाड़ी में जितनी सीबीओ गाड़ी आती है, भले आप मर्सिडीज ले लो, रेनो ले लो, कोई भी ले लो, सब सीबीओ में लेन की बसेस चाहिए आएगा सीबीओ में, सिर्फ सीबीओ में। हाँ जो सीकेडीज होती है जो यहाँ मैन्युफैक्चर लोकली होती है उनमें नहीं आता, अच्छा उनमें नहीं आता, इनमें आएगा। उसमें किसी किसी में देते हैं, पहले वेलार सीबीओ आती थी तो उसमें आता था, अब वेलार सीकेडी हो गई है तो यहाँ पे बनती है, यहीं पे असेंबल होती है। अच्छा। तो अब उसमें नहीं देते। ओके सो दिस इज। और कितना इसका अगर बुक कराते वेटिंग पीरियड भी होगा कुछ इसका? हाँ सर वेटिंग पीरियड है, नो डाउट। 6 मंथ का बताया ना हमने, 6 मंथ का। 6 मंथ गाड़ियाँ मेरे पास अभी आ रही है, कुछ 350 गाड़ियाँ आ रही है। अच्छा अराउंड अगस्त सितंबर तक सारी गाड़ी रिलीज हो जाएंगी। अगस्त सितंबर तक अगर आप भी बुक कराते हैं तो? हाँ मेरी ऑलरेडी 350 गाड़ियाँ बुक्ड है। ऑलरेडी 350 गाड़ी आपकी बुक्ड है? अच्छा वो तो बुक है मतलब, सर कोई ना कोई तो बैकआउट होना ही होना है, कोई ना कोई बैकआउट होना ही होना है भाई, सारे लॉयल कस्टमर तो सर। देखो आपने गाड़ी चला के देखी आज, आपको पसंद है क्या? चलो ठीक है मुझे लेनी ही लेनी है, तो आप लोगे ही लोगे। मुझे फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जिसने सोचना यार मेरे को एक काम करता हूँ मैं वहाँ जाता हूँ और X5 ले लेता हूँ, छोड़ो X5 मिल रही है मुझे, किसी का कॉल आ गया X5 मिल रही है, चलो छोड़ो वो बुकिंग कैंसिल करो, वहाँ से X5 मिल कहाँ रही है, X5 मिल ही नहीं रही। X5 तो बोल रहे हैं कि भाई X5 तो ऐसा हो गया कि मतलब अफीम हो गई है ऐसा मैं वो मुझे सुन रहा है। X7 के चक्कर में उन्होंने X5 देनी बंद कर दी। हाँ उनकी X7 महंगी और X5 X7 में कोई फर्क नहीं है। हाँ। गाड़ी ये तो मैंने भी सुना नहीं, काफी कंट्रोल में है कार ना, जैसे चलाने में जो फील हो रहा है, और बहुत कॉम्पैक्ट है। हाँ। जिस हिसाब से ह्यूज है ना उस हिसाब से बहुत वो है, मतलब क्यों टायर्स भी इसके शायद काफी सबसे बड़े आईडिया दे दिया यार ये X5 का, तो थैंक यू सो मच। पहले कस्टमर मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि X5 लेनी है मुझे, तो आप अपनी गाड़ी का बताओ कि क्या दिक्कत क्या। अच्छा ले लो आप एक बार ले लो। नहीं 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 मैं उनको अब ये बोलूंगा सर गाड़ी मिलेगी नहीं आपको, ये तो मुझे पता ही नहीं था। नहीं ये तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, उसके लिए तो लोग एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन गाड़ी मेरी कंपनी। आपको पूरी गाड़ी कॉस्ट करेगी मैक्स टू मैक्स 125 सब कुछ लगवा के। अच्छा रेंज रोवर्स ना पता है, रेंज रोवर्स अब नाम से बिक रही है बस, ऐसा समझ लो डिस्काउंट से बिकती नहीं है। जैगुआर पहले बिकती थी, जैगुआर बिकती थी डिस्काउंट से, सिर्फ डिस्काउंट पे बिकती थी, अब तो जैगुआर पे डिस्काउंट हटा दिया, मेरे लिए मुश्किल पड़ गई जैगुआर बेचना। अच्छा इसकी सेल का क्या है मतलब, आप मैं वैसे पूछ रहा हूँ कितनी सेल हो जाती होगी इसकी? हाँ। सर मेरी कम से कम 15 बुकिंग में से मेरी 8 से 10 बुकिंग डिफेंडर की होती है सर, क्लोज हो जाती है जो सिर्फ डिफेंडर की 8 से 10 बुकिंग होती है 15 में से। मतलब मैं हर महीने 15 बुकिंग करता हूँ, 15 बुकिंग में से 5 मेरी मिनिमम जो होती है वो छोटी मोटी गाड़ियों की होती है बस, बाकी 10 के आसपास मेरी होती है डिफेंडर की, क्योंकि डिफेंडर बहुत वैल्यू फॉर मनी है ना, सही है, सारे फीचर्स हैं इसमें, सब कुछ है, 2 लीटर में इतनी रक्त कार मिल रही है, और पावर एवरेज भी अच्छा है, पावर लीटर के हिसाब से 2 लीटर के हिसाब से पावर भी अच्छा है और एवरेज भी अच्छा है, 10 से 12 का एवरेज माइलेज जो कंपनी क्लेम कर रही है, 10 से 12 क्लेम करती नहीं है। अच्छा 10 से 12 आप लोग कस्टमर
कस्टमर रिव्यू है 10 से 12 एवरेज ओके। बाकी इसमें एक बार चेक कर लेंगे क्या एवरेज है, ये तो टेस्ट ड्राइव व्हीकल है, इधर रग यूज होती है, लेट्स सी इसका क्या है, इसका क्या है परफॉर्मेंस, मुझे खुद नहीं पता इसका क्या है। इसके टायर कितने इंचेस हैं? 20 है ना। आपने चेंज किया? हाँ हाँ, मैंने चेंज किया, चेक करा था एक बार फैंस। पावर बहुत अच्छी है, पावर बहुत अच्छी है, पावर ब्रेक बहुत अच्छी है, कर पा रहे ना हमारी रोड भी नहीं आ गई। मुझे उसका टर्निंग रेडियस काफी अच्छा लगा, मैंने तो उसका लंबा टर्न लिया, लंबा टर्न मत लो ना, एक बार देख लेते हैं यहीं से पूरा काट लो आराम से, देखना आगे ये इंडिया है, यहाँ अगर आप डर के रोड पे चलोगे ना सक्सेस पूरी कर दी आराम से। हाँ सच में काफी अच्छा टर्निंग रेडियस है। पावर नो डाउट बहुत अच्छी है कार में भी, बहुत अच्छी है सर, मतलब वही अगर पंजा दबाओगे एक बार, सच में घुमा लेनी चाहिए, तो गलत ले ली थी, ये तो पूरा भरा हुआ है, इसलिए मैंने बोला था ना आपको कि वहां से घुमा लेते हैं, वहां पे ट्रैफिक हो रहा है, पीछे से ले आते हैं, हाँ पीछे से अंदर ले आते ना। ये मुझे अच्छा फीचर लगा यार, मतलब गाड़ी अगर आपकी कुछ सेकंड्स के लिए भी स्टॉप हो गया तो इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सर देखो नॉर्मली सारी गाड़ियों में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ एवरेज क्यों अच्छी आती है इन गाड़ियों की। हमारी गाड़ी जो है 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, अगर आपने अभी जैसे अभी 15 किलोमीटर चल रही है, आपने ब्रेक मारी, इंजन शट डाउन, ठीक है, अपने आप कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा इंजन शट डाउन है। आप जैसे रेस दोगे ना तो इंजन ऑन रहेगा, ये आप अभी ब्रेक मारोगे ना तो ऑटोमेटिकली बंद कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा बंद कर दिया, फिर ऑन कर लेगा अपने, नहीं वो तो होते ही, ब्रेक पे पैर लगा, नहीं ये फीचर तो होता है मोस्टली कार्स में, लेकिन ये आप इसका इसमें ऐसे भी समय ऑफ कर सकते हैं, ये ऑफ है अभी इंजन, नहीं नहीं मैं तो ये वाले फीचर ऑफ कर सकते हैं या फिर नहीं, वही तो क्योंकि वही यू नहीं बुलाएगा ना, ये 10 इंच की डिस्प्ले है ना, ये आइडल स्टॉप स्टार्ट के लिए है सर, वो जो जो मैंने फीचर बताया ना आपको वो फीचर तो हमेशा चलता रहेगा। और ये 10 इंच की डिस्प्ले दे रहे हैं ना इसमें, 11.4 एलईडी पूरी है ना, LED इसमें पाईवे प्रो आता है, ये पाईवे प्रो सिस्टम है, ये सबसे एडवांस माना जाता है। अभी मैं आपको एयर सस्पेंशन का फीचर दिखाता हूँ, गाड़ी कैसे ऊपर नीचे हो जाएगी, नीचे करके दिखा देता हूँ, ये गाड़ी पूरी, इसमें आप देखो भाई ये गाड़ी पूरी ऐसे हो जाएगी ऊपर, अभी ये हाल पूरे सस्पेंशन इसके ऊपर हो चुके हैं, 20 इंच के इसमें अलॉय हैं और 218 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। हाँ वापस डाउन कर दो, अभी यहाँ से देखना अभी पूरी डाउन हो जाएगी, इस टाइम में बैठ गया, ये इस सेगमेंट में किसी गाड़ी में नहीं, और इसका ये जो फीचर है ना चलती गाड़ी में भी हो जाता है, मतलब हम जैसे ड्राइव कर रहे हैं तब भी ये हो जाएगा। सो गाइस इसमें आपको ऐसा कुछ इंटीरियर मिलने वाला है, मैंने आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, इसमें ना आपको 11 इंच की यहाँ पे डिस्प्ले मिलेगी, ये ऐसे स्टार्ट हो जाती है, मतलब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा वो मिल जाएगा, इसमें GPS का डिस्प्ले आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपको स्टीयरिंग्स पे कंट्रोल मिल जाएंगे, और ये पूरा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, ये आपको इसमें 8-speed का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 2-zone क्लाइमेट कंट्रोल का वो मिल जाएगा AC, यहाँ पे काफी स्पेस मिल जाएगा सामान रखने के लिए, जैसे आप देख सकते हो ये फ्रिज है, मतलब ये तो यहाँ कुछ चीज रख के आप ठंडी भी कर सकते हो, ये यहाँ पे आपको चार्जर मिल जाएगा वायरलेस का, और यहाँ पे आपको डिफेंडर की बैजिंग मिल जाएगी जो कि काफी अच्छी लग रही है, और ये जो लेदर यूज किया गया ना इसमें काफी प्रीमियम क्वालिटी का यूज किया गया है, और टच तो इसकी बहुत रिस्पॉन्सिव है, मतलब फोन की भी क्या होगी, नो डाउट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है ये गाड़ी, और यहाँ पे आपको कुछ लाइटिंग्स के इसके कंट्रोल मिल जाएंगे, ये इसके सनरूफ के यहाँ कंट्रोल मिल जाएंगे, पूरा पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाला है इसमें आप देख सकते हो, और एक ना हार्ड कोर गाड़ी है यार, मतलब आपको बैठ के फील हो जाएगा कि आप किसी स्ट्रांग चीज में बैठे हो, और यहाँ पे आपको सारे फीचर मिल जाएंगे इसके डिस्प्ले में, आप अपने अकॉर्डिंग ये चेंज भी कर सकते हो, उसका थीम और ब्राइटनेस भी कम कर सकते हो ज्यादा कर सकते हो। रियर सीट्स पे बैठ के ना आपको इसमें बहुत कंफर्ट फील होने वाला है, और जो लेग रूम मिलने वाला है बहुत स्पेशियस मिलने वाला है, यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाएगा 2-zone का जो मैं बता रहा था, यहाँ पे आपको चार्जर मिल जाएंगे दो, अपने अकॉर्डिंगली एसी का टेम्परेचर सेट कर सकते हो पीछे वाले जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बड़ा सा आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद 2 glass holders, और इसको आप ऊपर भी कर सकते हो, 3 लोग पीछे आराम से बैठ कर ट्रैवल कर सकते हो, और ऐसा कुछ उसमें व्यू मिलने वाला है आपको पीछे बैठ के, यहाँ पे आपको राइड रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी,
इसमें जो कि काफी अच्छी लगती है रात में, और ये पूरा पैनोरमिक व्यू रात में बहुत अच्छा लगता है। स्पेस की बात करें तो गाड़ी में बहुत स्पेस है यार, मतलब नो डाउट आप देख सकते हो बहुत ह्यूज गाड़ी मिलने वाली है। और अभी कुछ इसकी एसेसरीज की बात करते हैं कि इसमें कितने की आपको एसेसरीज मिलने वाली। सीट्स की कंफर्ट की बात करें तो बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं, अगर आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो बिल्कुल भी आपको इसमें फील नहीं होगा कि थक रखे हो या कुछ है। टोटल नंबर ऑफ स्पीकर्स की बात करें तो 16 स्पीकर्स इसमें आपको मिलने वाले हैं। फ्रंट से अगर इसकी फ्रंट प्रोफाइल की हम बात करें तो ऐसी मिलने वाली है आपको डिफेंडर, यहाँ पे आपको डिफेंडर की बैजिंग मिल जाएगी विद लैंड रोवर, और यहाँ पे आपको उसमें ग्रिल नहीं मिलेगी, पूरा कवर्ड बम्पर मिलने वाला है। जिसमें आपको फॉग लैंप्स मिलने वाले हैं वो यहाँ मिलने वाले हैं छोटे छोटे। ऑटोमेटिकली इसमें आपको LED हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं, इनकी रात को लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है। और 20 इंच के इसमें आपको अलॉय व्हील मिलने वाले हैं, और ये डिप्लॉय व्हील की जो बात कर रहे थे अभी भैया, ये कुछ अलग ही कॉस्ट है भाई इसकी तो। ये डिप्लॉयबल मतलब हमें कितने के ऑलमोस्ट बता रहे थे ना प्राइसिंग? आपको बता रहा था ना, डिपेंड करेगा ये आप, ये तो ऑटोमेटिक वाले नहीं है ना? हाँ, 4-4.5 लाख ये डिप्लॉयबल 4.5 लाख में है। और हो गया उसके साथ साथ ये इसकी कॉस्ट कवर, इसके साथ में अपना ये बट फ्लैप हो जाएंगे 5.5 लाख में सर, ये सब चीजें आ गई 5.5 इंक्लूडिंग ये बॉक्स। ये नहीं, अच्छा ये बॉक्स की अलग है कॉस्ट, ये क्या कॉस्ट का होगा ये? सर मैंने अभी तक मंगवाया नहीं, इसलिए मुझे इसका आईडिया, अच्छा इसका कोई आईडिया नहीं है। और लेडर आप बता रहे थे ना, उस पे लेडर, उस साइड लेडर भी आती है, उसकी क्या कॉस्ट होगी? वो भी मैंने मंगवाई नहीं, इसलिए मुझे मुझे इसका पता है क्योंकि मैं करवा चुका हूँ। यार ये अलग चीज मंगवा दी यार, 14 मॉडल फिर बूट में भी इसमें अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा अगर हम इसको हटा देंगे तो। यहाँ पे प्लेट मिल जाएगी दोनों साइड आपको, फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 90 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलने वाला है गाड़ी के अंदर, जो कि ठीक है इस हिसाब से, थोड़ा मुझे कम लगा बट ठीक है। यहाँ पे आपको ये पकड़ने के लिए मिल जाएंगे SUV में, किसी भी सेगमेंट में नहीं है ये, कि मतलब ऑफ रोडिंग व्हीकल है तो पीछे बैठने के लिए अगर आपको ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस फील लेनी है तो ये पकड़ के बैठो तो ज़्यादा वो ठीक है। अब आप देख सकते हो कितनी अलग लुक लगती है यार इस गाड़ी की। हाँ, डिप्लॉयबल की कॉस्ट आ जाती है अराउंड 4.5 लाख, मतलब ये गाड़ी ओवरऑल आपको कॉस्ट करेगी 1,25,00,000 की ओवरऑल कॉस्ट की हम इस गाड़ी की बात करें तो। नो डाउट गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है।